दोस्तों जैसे आप लोगों को बताया गया है कि मैंने बहुत सारा स्टूडेंट रिक्वेस्ट के अनुसार से मैंने इसको टूल्स को बोला गया कि चालू करने के लिए आज मैंने टूल्स स्टार्ट किया है। ऐसे मैंने टूल्स के बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। टूल्स यानी का औजार, जब आप कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाते हैं या आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो सबसे पहले आपको टूल्स के बारे में पूछा जाता है। सबसे बड़ा अहम भूमिका टूल्स निभाता है कि आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं, या आपको किस तरह इसको उपयोग करना है, या आप इसके काम के बारे में जानते हैं कि नहीं। आइए दोस्तों, मैं अब धीरे धीरे यहाँ पर टूल्स सभी टूल्स को रख दिया हूँ और बताऊंगा कि सब टूल्स का क्या उपयोग है, कैसे काम करता है, आप कौन सा टूल्स का क्या नाम है। दोस्तों जैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि ये जो टूल्स है इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर में आप लोगों को ये जो लकड़ी का आप देख रहे हैं उसको हैंडल बोलते हैं, ये जो है उसको फेस बोलते हैं, ये जो साइड का है उसको चीक बोलते हैं, ये दोनों साइड का जो चीक बोलते हैं इसको जो बीच में जो लकड़ी लगा हुआ रहता है इसके आई होल बोलते हैं, ठीक है। आइए जो आप ऊपर दिख रहे हैं इसको बॉल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम बॉल पिन हैमर होता है। दोस्तों इसके बारे में आपको डिफाइन कर दिए। अब नेक्स्ट आते हैं ये हैमर के बारे में। अब इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, ये आपका जो हैमर होता है इसको बोलते हैं कि पिन हैमर। जब आप कार्टून के को निकालने उठाने के यूज में होता है उसको पिन हैमर बोलते हैं। ये आपका हैंडल हो गया, इसको फेस बोलते हैं, इसको चीक बोलते हैं, इसको आई होल बोलते हैं, आइए जो कांटे होते हैं उसको पिन निकालने के लिए तो पिन हैमर इसको बोला जाता है। दोस्तों जैसे आप आईटीआई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिशियन हो गया या फिटर हो गया तो इस कैंची का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसमें यह है कि जब आप फैन का क्वाइल बांध रहे हैं या फैन को क्वाइल को बांधना होता है तो जब आप क्वाइल को काट कर उसको पीवीसी पेपर जिसको बोलते हैं उसको साफ सुथरा करके जब आप उसको एमएम के हिसाब से नाप कर उसको इसको काटते हैं उसी के हिसाब से ये बहुत बड़ा योगदान होता है इसको काटने के लिए। ऐसे आप तार को भी इसको यूज कर सकते हैं लेकिन पीवीसी जो पेपर होता है जो फैन हम लोग इसके पहले पढ़ाए हुए हैं आप इसके पीछे वीडियो में देखिएगा तो इसी से क्या करता है पीवीसी पेपर काटने का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों देखिए ये जो सारा रिंच आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट में आते हैं कि जो रिंच आप देख रहे हैं बहुत सारा इसमें रिंच होता है इसको स्पैनर रिंच बोलते हैं। जो आपको छोटा भी रिंच होता है जो ट्रिंगल की तरह होता है वो जो नट होता है रिंग स्पैनर रिंच बोलते हैं। वो सभी रिंच क्या करता है काम करता है इसको जैसे इसमें आपको नंबर देता है 20 देता है 19 देता है 22 देता है तो उसके हिसाब से इसको उपयोग में किया जाता है। जैसे 15 देता है और इधर 18 दिया जाता है तो उसके हिसाब से नट को जो होता है उसमें नंबर दिया जाता है उसके हिसाब से नट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर का जो होता है इसको क्या बोलते हैं फेस बोलते हैं ये फेस बोलते हैं। इसको साइड कटर भी बोलते हैं। इसका जो टीथ होता है ये जो होता है इसको टीथ बोलते हैं पीपी ग्रिप बोलते हैं। मैंने पढ़ाया है इसको टूल्स को पीपी ग्रिप बोलते हैं। ये जो होता है इंसुलेटर से लगा हुआ रहता है जिसको हैंडल बोलते हैं। कभी भी आपको टूल्स को यूज करना है लाइन में काम कर रहे हैं तो कभी भी टूटा फूटा औजार का उपयोग नहीं करना है ज्वाइंट काटने इसको ये है तो ज्वाइंट वाइंट काटने इसके साइड से ये जो साइड से अब ज्वाइंट वाइंट काटने के लिए भी काम आता है। और ये जो होता है पीवीसी इंसुलेटर से लगा हुआ रहता है जिससे आपका हाथ में इलेक्ट्रिक प्रवाह नहीं होगा। इसको आप लोग दोस्त जानते हैं इसको साइड कटर भी बोलते हैं। ये जो है आपका चादरा वगैरह काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका ज़्यादा नहीं है और इसका इसमें पीवीसी लेयर नहीं लग रहता है क्योंकि चादरा वगैरह काटने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह नहीं होता है। तो आप कभी भी काम कर रहे हैं तो एक बार न्यू टेस्टर से चेक कर लीजिए कि उसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है तब इसको उपयोग करेंगे तो आप लोगों का बेटर होगा। ऐसे इसका कोई ज़्यादा खास यूज नहीं है, ये केवल चादरा वगैरह काटने के लिए काम करता है। ये होता है ये जो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग कौन प्लायर बोलते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी कॉम्बिनेशन प्लायर में देखिएगा कि छोटे छोटे जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाता है तो पतले और छोटे जगह के लिए नोच प्लायर का उपयोग किया जाता है। इसमें आप जन्मेगा इसको नोच बोलते हैं और इसके बाद यहाँ पर इसको फेस बोलते हैं और सोनू इसको क्या बोलते हैं आपको बताया जो ना बीच वाले क्या बोलते हैं इन बोलते हैं इसको। आइए जो होता है हैंडल बोलते हैं पीवीसी लेयर लगा रहता है। कोई भी आपको औजार का उपयोग करना है तो उसमें पीवीसी लेयर लगा होना जरूरी है। इसको दोस्तों ये भी आपका स्टीपर वायर है इसको तार काटने का उपयोग किया जाता है और इसमें भी क्या होता है इसमें पीवीसी लेयर इसमें लगा रहता है। ये दोस्तों आप लोग प्लायर देख रहे हैं आज टूल्स मैंने पूरा समझा दूंगा खत्म कर दूंगा कि टूल्स क्या है आप लोग कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। जिस तरह आप लोगों को समझा दिया जाएगा इसको बोलते हैं
पिंसर प्लायर, पिंसर प्लायर का इसका क्या काम है, जब आप लोग कांटियों की मारते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिक कांटी हो गया, चाहे कोई भी प्रकार कांटी हो गया, उसको कांटे के निकालने के लिए भी पिंसर प्लायर का उपयोग किया जाता है। इसमें भी पीवीसी लेयर लगा हुआ होता है। दोस्तों ये जैसे आप लोग देख रहे हैं टूल्स जो आप लोग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। ये जो साइड कटिंग प्लायर है, इसको तार काटने के भी उपयोग किया जाता है। इसमें भी आपका पीवीसी लेयर लगा होता है, इसको हैंडल बोलते हैं, इसको साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, आपके कोई तार को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। और जैसे कपड़े सब प्रकार में बताए, जैसे ये हैंडल हो गया, ये साइड कटिंग के लिए काम करता है, बस यही है। इसको दोस्तों आप लोगों को डिवाइडर बोलते हैं, जैसे इनसाइड क्लिपर बोलते हैं। ये भी डिवाइडर का काम करता है। जैसे आपको किसी भी वस्तु को मार्क करना या टिक लगाना, या वहाँ से आपको मैपिंग करने के लिए, जैसे आप इंजीनियर देखेगा तो इस चीज़ का यूज करता है, तो चाहे घर बनाने के लिए कितना मेजरमेंट मापने के लिए काम करता है, इसके हिसाब से यूज किया जाता है। आप इससे क्या कर सकते हैं, मैप को इसको एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, घुमाकर छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, जिससे इससे ये घसकता नहीं है। सुनो ये बताए थे ना, इसको क्या बोलते हैं, पोकर बोलते हैं, है ना। सुनो इसको पोकर बोलते हैं ना। इसका पोकर के काम है कि लकड़ी उकड़ी, चाहे बोर्ड आप बना रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर के लिए, तो इसको मार करके उसको छेद दूर करने के लिए काम करता है पोकर। जैसे आप इसको पास अगर जोड़ दीजिएगा और ना चाहिएगा तो यहाँ से मार्क होगा, आराम से ड्रिल मशीन से इसको क्या कर सकते हैं, छेद कर सकते हैं। ये जो फाइल आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 16 को फाइल होता है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिया आपको, 3 को फाइल लेकर बताया है। ये सब जो फीटर वाले लोग होते हैं ज़्यादा इसका अधिकतर उपयोग करते हैं। सभी का फाइल अलग अलग उपयोग होता है कि कौन सा फाइल कैसे आपको उपयोग करना है। इसको फ्लैट फाइल बोलते हैं, इसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। और ये फ्लैट फाइल को उसके साइड को शोल्डर बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। ये हैंडल में लकड़ी का जो रहता है वो आपका लगा हुआ रहता है, जिससे आपको रखने में ये हाथ में गड़ेगा नहीं या नहीं कटेगा। कभी भी आप लोग काम करिएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो टूटा फूटा कोई भी उजार का आप लोग को उपयोग नहीं करना है। ये हो गया हाफ फाइल होता है, इसका भी उपयोग है। ये इसको ट्रेवल फाइल बोलते हैं। नीचे से प्लेन रहेगा, हल्का हल्का ये ऊपर उड़ता रहता है। इसमें फाइल राउंड फाइल भी होता है। मैं आपको धीरे धीरे फाइल का नाम बता दूंगा कौन कौन फाइल है। जैसे यहाँ राउंड फाइल हो गया, फ्लैट फाइल हो गया, हाफ राउंड फाइल हो गया, और रैप फाइल हो गया। यही फाइल होता है ज़्यादा अधिकतर, यही फ्लैट फाइल का उपयोग करता है किया जाता है, और ट्रेवल फाइल का उपयोग किया जाता है। या आप किसी भी सामान को मतलब बराबर या घिसने के लिए फ्लैट फाइल या फाइल का उपयोग करते हैं। ये दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, इसको न्यू टेस्टर बोलते हैं। कभी भी आप बिजली काम करिएगा तो सबसे पहले न्यू टेस्टर सबसे बड़ा अहम भूमिका योगदान रखता है, क्योंकि आप चेक करते हैं कि उसमें लाइन है कि नहीं। और दूसरा हो गया, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं दोस्तों। जो स्क्रू ड्राइवर दो प्रकार का होता है, एक 150 mm का होता है, एक 100 mm का होता है। आप उसके हिसाब से यूज करना है, कौन सा आपको एडजस्टेबल हो जाए उसी के हिसाब से टूल्स का उपयोग करना है। ये दोनों का ड्राइव स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। आपको जानते करते हैं इसको हैंडल बोल देते हैं। यहाँ पे पीवीसी लेयर लगा रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, जो आयर का यूज होता है। सेम वही है टिप बोलते हैं, इसको टिप बोलते हैं। पीवीसी लेयर लगा होता है, इसको हैंडल बोलते हैं। दोस्तों ये आपको हो गया इलेक्ट्रिशियन नाइफ। ये जो होते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। आप इस तरह खोल के भी आपको इस तरह देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिशियन नाइफ होता है। सबका उपयोग अलग अलग होता है। जो आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो इसमें इसमें कैंची भी दिया रहता है। जो आप लोग जब इलेक्ट्रिशियन नाइफ का उपयोग करिएगा तो जहाँ पर छोटा छोटा पतला पतला वायर होता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। इसमें आप देख रहे हो दोस्तों कि ये कैंची को आप थोड़ा सा वायर को हल्का काट कर छील भी सकते हैं, साफ और करने के लिए भी काम आता है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ है, इसका बहुत सारा यूज है इसमें। दूसरा दोस्तों ये टूल्स के बारे में आप लोगों को बताया हुआ, इसको बोलते हैं बैरिंग कूलर। ये दो गो रहता है, इसको ये जो कैल्शियम कैल्शियम रहता है।